सरकार गिराने का बदला जनता लेने तैयार। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ने आज मंगलवार को अपनी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगाया कि चंद पैसों से इन्होंने अपना ईमान भी बेच दिया। सुर्खी क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत को जिताया था, परंतु प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को खरीदा फरोख्त कर दिया था। सत्ता के लालच में गोविंद सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। क्षेत्र की जनता इस बात से आज भी दुखी है कि भारी बहुमत से जिताने के बाद भी गोविंद सिंह सरकार भाजपा की बनने के बाद भी अपना दाल बदल नहीं दिया था, परंतु इस वर्ष के चुनाव में क्षेत्र की जनता इसका बदला लेगी। नीरज शर्मा ने आज ग्राम रहली, डुंगरिया, हिंदपुर, गोदाई, जमुनिया, रामपुरा, घोघरी, बिशनपुर में जनसंपर्क किया और नीरज शर्मा को भारी मतों से जिताने के लिए सागर जिले कांग्रेस पार्टी के प्रतिधान एवं कार्यकर्ता मर्दाव में सघन रूप से क्षेत्र के घर घर जाकर संपर्क कर रहे थे। आज पूर्व विधायक पारुल साहू, केशव राजकुमार घनोरा, राम ठाकुर बरहेड़ी, अशोक कुशवाहा से भी जनसंपर्क कर नीरज शर्मा को जिताने का जनता से संपर्क किया गया था। सागर से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।